तो गाइस मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे एक थाई ड्रामा हिंदी डब में आया है जिसका नाम है स्विच वन, जिसमें टोटल आपको 26 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको ये थाई ड्रामा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो थाई ड्रामा स्विच वन है ये एक कोरियन ड्रामा का रीमेक है। जी हाँ, एक कोरियन ड्रामा का रीमेक है जिसका नाम है डब्ल्यू टू वर्ल्ड। 100% रीमेक नहीं है, कुछ थाई मेकर्स ने कुछ अलग इसमें दिखाया है, पर डब्ल्यू टू वर्ल्ड का रीमेक है ये थाई ड्रामा स्विच वन। कहानी की बात करूं तो इसमें आपको निशा नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पिता बहुत बड़े जीनियस होते हैं और उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया है जिसका नाम है बेटर वर्ल्ड। पर ट्विस्ट तभी आ जाता है जब उसके पिता डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो निशा अपने पिता को ढूंढते ढूंढते वीडियो गेम के अंदर पहुंच जाती है। जी हाँ, वीआर के जरिए वीडियो गेम के अंदर पहुंच जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आता है, क्या निशा अपने पिता को ढूंढ पाती है या नहीं ढूंढ पाती है, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये ड्रामा को देखना पड़ता है। तो गाइस पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आपने कोरियन ड्रामा डब्ल्यू टू वर्ल्ड नहीं देखा है तो ये ड्रामा आपको बहुत ही मजा आएगा एंड आपको न्यू कॉन्सेप्ट लगेगा। पर यदि आपने डब्ल्यू टू वर्ल्ड देख लिया होगा तो ये आपको थोड़ा मतलब एवरेज टाइप की फीलिंग देगी, क्योंकि उसका रीमेक है। तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और रीमेक रीमेक होता है। यदि आपने डब्ल्यू टू वर्ल्ड नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले ओरिजिनल देखिए, मतलब डब्ल्यू टू वर्ल्ड देखिए, वह ज्यादा बेहतर है एंड आपको ज्यादा मजा देता है, क्योंकि वह ओरिजिनल है। इसमें जो मोशन केमिस्ट्री एंड जिस तरह से मतलब दुनिया को सेटअप किया गया हुआ देखने में मजा आता है। इस ड्रामा में भी अच्छा से तरह से दिखाया गया, पर थोड़ा सा ये कम है, क्योंकि ये ड्रामा भी गुड है, गुड टू वॉच है, पर जो ओरिजिनल होता है वह ओरिजिनल होता है। ये भी आपको मजा देता है, दोनों मतलब डब्ल्यू टू वर्ल्ड कोरियन ड्रामा और ये जो थाई ड्रामा स्विच वन है, दोनों आपको मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म में हिंदी डब में मिल जाती है। पहले आप चॉइस कीजिएगा कि आप ना ओरिजिनल को देखिए, उसके बाद फिर इसे देखिएगा तो आपको मजा देगा, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, तो थाई ड्रामा का कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो जी हाँ, सभी ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है, आप पर्सनली उनसे कनेक्ट फील करते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो जी हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी आपको रिच देखने को मिलता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट जितना भी सेटअप किया गया है, सेट डिजाइन किया गया है, उसे देखने में आपको मजा आता है। अब बात करते हैं कि इस ड्रामा का हिंदी डबिंग कैसा है। तो गाइस इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया की गई है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। तो गाइस इस ड्रामा को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ, आपने यदि कोरियन ड्रामा डब्ल्यू टू वर्ल्ड नहीं देखा होगा तो ये आपको बहुत ही बेहतर ड्रामा लगेगा एंड देखने में बहुत ही मजा आएगा। पर मैं फिर से भाई रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने डब्ल्यू टू वर्ल्ड कोरियन ड्रामा नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा, आपको ज्यादा मजा देगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो आप और अच्छा फील मतलब अच्छा महसूस करेंगे। तो जी हाँ, ये गुड टू वॉच ड्रामा है, आपको बोर नहीं करती है और आप मजा मतलब आप एंटरटेन होते हैं। तो जी हाँ, आप इसे आराम से देख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।